Hello friends, welcome you all at my YouTube channel English World. Today we will read important questions based on Matthew Arnold and his work Memorial Verses and Dover Beach. जो उनके work हैं दोनों, जो उनकी poems हैं Memorial Verses और Dover Beach, ये दोनों alternate syllabus में हैं. तो Matthew Arnold पर कुछ questions हम पढ़ेंगे और उसके बाद Memorial Verses पर और Dover Beach पर. So friends, it's my kind request to all of you. Please watch this video completely. Video ko pura jarur dekhen. As well as, if you like it, don't forget to give the thumb of like. And if someone is watching my channel first time, don't forget to subscribe it. So now, without any delay, let us start. Friends, we know very well about it that Matthew Arnold was a famous poet as well as cultural critic who worked as an inspector in a school. एज एन स्कूल इंस्पेक्टर, उन्होंने स्कूल इंस्पेक्टर के रूप में भी काम किया है. और ही हिज फादर वॉज एन हेड मास्टर इन रुबै स्कूल. सो नाउ लेट अस स्टार्ट. वेन वॉज मैथ्यू अर्नोल्ड बॉर्न? मैथ्यू अर्नोल्ड वॉज बॉर्न ऑन 24th ऑफ डिसम्बर 1822. मैथ्यू अर्नोल्ड का जन्म 24 दिसंबर 1822 को हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट इज़ द नेम ऑफ हिज बर्थ प्लेस? उनका बर्थ प्लेस क्या है? लालेहम, मिडिलसेक्स, इंग्लैंड, यूके. मिडिलसेक्स इंग्लैंड इज द नेम ऑफ हिज बर्थ प्लेस. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीज राइटर? सीज राइटर की मीनिंग क्या है? एक्चुअली हियर इज मैंडेटरी टू मेंशन दिस क्वेश्चन बिकॉज इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीज राइटर बिकॉज मैथ्यू अर्नोल्ड इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ सीज राइटर. मैथ्यू अर्नोल्ड को सीज राइटर में कंसिडर किया जाता है, इसलिए हमें जानना जरूरी है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीज राइटर. अ टाइप ऑफ राइटर हु चेस्टाइसेस एंड इंस्ट्रक्ट्स द रीडर ऑन कंटेम्पोरारी सोशल इश्यूज. सो इट मीन्स अ टाइप ऑफ राइटर, इस प्रकार के लेखक, एक ऐसे प्रकार का लेखक जो कि जस्टाइसिस मीन्स होता है स्कॉल्ड बैडली रिबुक, डांटना फटकारना, जो कि डांटता है फटकारता है. और इंस्ट्रक्ट्स, निर्देश भी देता है अपने पाठकों को ऑन कंटेम्पोरेरी सोशल इश्यूज, जो उस समय के सामाजिक मुद्दे हैं. कैसे मतलब लोग जो गुमराह हो रहे हैं, जो सोशल इश्यूज़ उत्पन्न हो रहे हैं, उनको देखकर गुमराह हो रहे हैं, उनके कार्यों को देखकर कर उनको फटकारना और उन्हें उपदेश देना, निर्देश देना अपने वर्क के माध्यम से, अपने जो रचना है उसके माध्यम से, अपने क्रिएशन के माध्यम से, या वी कैन से अपने लिटरेचर के माध्यम से समाज को इंस्ट्रक्ट करना, ही सेज राइटर का वर्क होता है. तो इस तरीके से now I think we have understood it very well what is the meaning of sage writer. Next question, which period does Matthew Arnold belong? Matthew Arnold किस period से belong करते हैं? Victorian period. Why was man confused in Victorian era? Victorian era में actually जब Victorian era का हम पढ़ते हैं सोशल बैकग्राउंड, तो हम पाते हैं कि उस समय जो मैन था वो बहुत कंफ्यूज था. क्यों कंफ्यूज था? बिकॉज ही वाज टोटली अनएबल टू अंडरस्टैंड इट दैट वेयर ही शुड कीप फेथ, आइदर गॉड आर साइंस, कि उसे किस में विश्वास रखना चाहिए. वो बहुत ही कंफ्यूज था. एक्चुअली उस समय सडन बहुत सारे चेंज होने लगे थे, एकदम से इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गया था और साइंस प्लेस ले रही थी, और जो पुराने रूढ़िवादी विचार थे वो सब खत्म होते जा रहे थे, हर चीज़ साइंटिफिकली होने लगा था. तो लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था, मतलब बिल्कुल असमंजस में थे कि वो लोग किस पर फेथ करें, ईश्वर पर या साइंस पर. इसलिए मैन उस समय बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में था. तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमें समझने के लिए कि मतलब क्यों विक्टोरियन एरा का सोशल बैकग्राउंड क्या था उस समय, तो उसके लिए नेसेसरी है. नेक्स्ट, व्हेन वाज अर्नोल्ड डाइड? अर्नोल्ड की डेथ कब हुई थी? ऑन 15 अप्रैल 1888 को अर्नोल्ड की डेथ हुई थी. और ये हमें लर्न करना थोड़ा सा इजी है, ट्रिक से हम याद कर सकते हैं कि 1888 में अर्नोल्ड की डेथ होती है, 15 अप्रैल 1888, और 1822, मतलब दोनों इवन नंबर्स हैं, 22 लास्ट में और सिमिलर सेम चीज़ है 22 और 88. तो 22 में उनकी बर्थ होता है और 88 में, ऐसा सिमिलरिटीज़ करके हम याद कर सकते हैं कि उनका वंस और टेंस दोनों डिजिट सेम हैं.
तो थोड़ा माइंड में सेट कर सकते हो, इट विल बी इजी अस टू लर्न. 15 अप्रैल 1888. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कंप्लीट टाइटल ऑफ द पोयम मेमोरियल वर्सेस. मेमोरियल वर्सेस जो पोयम है उसका कंप्लीट टाइटल क्या है. इसका कंप्लीट टाइटल है मेमोरियल वर्सेस अप्रैल 1850. एक्चुअली 1850 अप्रैल 1850 में ये पोयम लिखी गई थी मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा. तो इसका उन्होंने पूरा टाइटल दिया था मेमोरियल वर्सेस अप्रैल 1850. और वी नो वेरी वेल 1850 इज रिमार्केबल एंड रिमेम्बर्ड इन द लिटरेचर बिकॉज इन दिस ईयर विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज टाइट. तो और उसी के बाद इन्होंने ये लिखा है, उनकी डेथ के बाद, विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद मैथ्यू अर्नोल्ड ने मेमोरियल वर्सेस लिखी, इसलिए उसका टाइटल उन्होंने मेमोरियल वर्सेस अप्रैल 1850 दिया. नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ पोएम मेमोरियल वर्सेस इज. मेमोरियल वर्सेस किस प्रकार की पोएम है. मेमोरियल वर्सेज इज एन एलिजी. देर इज़ अ लैमेंट ऑन द डेथ ऑफ ग्रेट पोइट्स. ये एक इलिजी है मेमोरियल वर्सेस, और इसमें पोइट विलाप करता है ग्रेट पोइट्स की डेथ पर. अब हम पढ़ेंगे आगे कि कौन कौन से ग्रेट पोइट्स हैं जिनकी डेथ पर पोइट विलाप करता है. फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ गिव द थंब ऑफ लाइक. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पोइट्स अर्नोल्ड डिस्कस्ड बाय मैथ्यू हाउ मेनी पोइट्स डिस्कस्ड बाय मैथ्यू अर्नोल्ड इन द पोएम मेमोरियल वर्सेज. मेमोरियल वर्सेस पोएम में मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा कितने पोइट्स के बारे में बात की गई है. 3 पोइट्स, एंड दीज 3 पोइट्स आर नंबर 1 जॉन वोल्फगैंग गोथ, एंड नंबर 2 लॉर्ड बायरन, नंबर 3 विलियम वर्ड्सवर्थ. ये 3 गोथ और लॉर्ड बायरन और विलियम वर्ड्सवर्थ 3 पोइट्स हैं जिनके बारे में मैथ्यू अर्नोल्ड अपनी इस पोएम मेमोरियल वर्सेस में उनकी डेथ के बारे में, इन 3 पोइट्स की डेथ पर विलाप करते हैं, और उसमें वो डिस्कस करते हैं उनके वर्क के बारे में, जो उनका कंट्रीब्यूशन है इंग्लिश लिटरेचर को एज वेल एज इस वर्ल्ड को, संसार को, और हम सभी को, जो उन्होंने अपने लिटरेचर के माध्यम से, अपनी पोएम्स के माध्यम से जो एक सूदिंग हीलिंग पावर प्रदान किया है उसको डिस्कस करते हैं अपनी पोएम्स में, उनके कंट्रीब्यूशंस को रिमाइंड कराते हैं हमें, और कितना उनका इम्पोर्टेंट रोल रहा इन द ग्रोथ ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, तो इस चीज़ को उसमें बताते हैं. और नेक्स्ट चीज़ फ्रेंड्स, इट इज़ इम्पॉर्टेंट अस, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, गोथ का पूरा नाम क्या था. जॉन वोल्फगैंग गोथ, लॉर्ड बायरन वी नो, विलियम वर्ड्सवर्थ वी नो. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज वोल्फगैंग गोथ बॉर्न. गोथ का जन्म कब हुआ था. 28 अगस्त 1949. व्हेन वाज गोथ डाइट. गोथ वाज डाइट ऑन 28 सेकेंड मार्च 1832 एट द एज ऑफ 82. 1832 में गोथ की डेथ होती है. नेक्स्ट, लॉर्ड बायरन इज़ ऑल्सो फेमस एज. हम जानते हैं लॉर्ड बायरन जो हैं क्यों फेमस थे, एज वन ऑफ यंगर रोमांटिक्स, और वो कीट्स और सैली यंगर रोमांटिक्स में आते हैं, उनके कंटेम्पोरारी थे लॉर्ड बायरन. रोमांटिक जो एज थी उसको 2 पार्ट्स में बांटा गया था इन पोइट्स को, यंगर एल्डर रोमांटिक्स और यंगर रोमांटिक्स. तो कीट्स, शैली और बायरन यंगर रोमांटिक्स में आते हैं, इसलिए लॉर्ड बायरन इज़ ऑल्सो नोन एज अ वन ऑफ यंगर रोमांटिक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज बायरन बॉर्न. लॉर्ड बायरन का जन्म कब हुआ था. 22 जनवरी 1788. व्हेन वाज लॉर्ड बायरन डाइट. 19 अप्रैल 1824 एट द एज ऑफ 36. 36 ईयर्स की एज में लॉर्ड बायरन की डेथ हो जाती है 1824 में. नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम वर्ड्सवर्थ वाज वन ऑफ. विलियम वर्ड्सवर्थ ओल्डर रोमांटिक्स हैं और सबसे रोमांटिक एज के सबसे ग्रेट पोइट हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, और वो ओल्डर रोमांटिक्स में से एक हैं. नेक्स्ट, ओल्डर रोमांटिक्स में शौदी, कॉलरीज, वर्ड्सवर्थ, ये लोग ओल्डर रोमांटिक्स में या एल्डर रोमांटिक्स में आते हैं, हम ये कह सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज वर्ड्सवर्थ बॉर्न. वर्ड्सवर्थ का जन्म कब हुआ था. 7 अप्रैल 1770. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज वर्ड्सवर्थ डाइट. 23 अप्रैल 1850 एट द एज ऑफ 80. इस तरीके से अब हम लोगों ने जिन तीनों राइटर्स के बारे में अर्नोल्ड डिस्कस करते हैं, जिनकी डेथ पर लैमेंट करते हैं अपनी पोएम मेमोरियल वर्सेस में, उन तीनों पोइट की डेथ के बारे में जान लिया कि किस ईयर में, कितनी एज में उनकी डेथ होती है. तो ये क्वेश्चन ये भी सेट हो सकता है एग्जाम में कि गोथ और बायरन और वर्ड्सवर्थ, इन तीनों में से सबसे पहले किसकी डेथ हुई थी.
तो यहाँ पर हम फिर से एक बार पीछे जाते हैं, वर्ड्सवर्थ की तो 1850 में हुई थी, 1850 में, लॉर्ड बायरन की 1824 में, और गोएथ की डेथ 1832 में। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, लॉर्ड बायरन डाइड अर्लियर इन कंपेरिजन ऑफ दीज टू, इन दोनों की तुलना में लॉर्ड बायरन की डेथ पहले हो जाती है 1824 में, और सबसे कम उम्र में होती है, और सबसे लास्ट में किसकी डेथ होती है, विलियम वर्ड्सवर्थ की, इन तीनों में से। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दीज पोएटिक लाइन्स द लास्ट पोएटिक वॉइस इज डम्ब, हुम डज अर्नॉल्ड रेफर। ये जो पोएम्स पोएटिक लाइन्स हैं, द लास्ट पोएटिक वॉइस इज डम्ब, इसमें विलियम मैथ्यू अर्नॉल्ड किसको रिफ़र करते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ को। वो कहते हैं एक्चुअली विलियम वर्ड्सवर्थ की टॉम के पास वो खड़े पाते हैं और कहते हैं कि उनके साथ जो पोएटिक वॉइस थी वो डम्ब हो गई एकदम, तो गूंगी हो गई। तो ये किसको रिफ़र कर रहे हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ को। विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ के साथ ऐसा हुआ, मीन्स बहुत बड़ा लॉस हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दीज पोएटिक लाइन्स वी शेड संक देन इज यूरोप सेजेस्ट हेड फिजिशियन ऑफ द आयरन एज, हुम डज अर्नॉल्ड रिफर। ये फिजिशियन ऑफ द आयरन एज किसको कह करके अर्नॉल्ड रिफर करते हैं, एक्चुअली ये लाइन्स हैं जॉन वुल्फगैंग गोएथ के लिए, क्योंकि गोएथ जो थे वो एक फिजिशियन भी थे, मतलब पोइट होने के साथ साथ वो फिजिशियन भी थे, तो इसलिए ये लाइन्स उन्होंने उनके लिए यूज किए। और आयरन एज इंडस्ट्रियलाइजेशन उस समय हो रहा था, इसलिए उसको आयरन एज विक्टोरियन एज को ही उन्होंने बोला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज दिस बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज रिटन बाय चार्ल्स डार्विन पब्लिश्ड। यहाँ पर हमें इस बुक के बारे में भी जानना नेसेसरी हो जाता है, क्योंकि इस बुक का विक्टोरियन एज पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा। तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो कि एक साइंटिफिक लिटरेचर था, ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया, और जो ये बुक थी ये कब पब्लिश होती है, ऑन 24th of November 1859 को ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो बुक थी ये पब्लिश होती है। इन विच ईयर मैथ्यू अर्नॉल्ड रोट द पोएम डोवर बीच, मैथ्यू अर्नॉल्ड की जो पोएम है डोवर बीच, ये किस ईयर में पब्लिश हुई, 1867। वेयर इज़ द पोएट स्टैंडिंग इन ओपनिंग सीन ऑफ द पोएम, पोएम की ओपनिंग सीन में पोएट कहाँ पर खड़ा है, एट डोवर बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट इज द मीनिंग ऑफ वर्ल्ड फेयर अकॉर्डिंग टू द फ्रेज ऑफ द पोएम द मून लाइज फेयर। ये जो फ्रेज यूज हुआ है द मून लाइज फेयर, इसके अकॉर्डिंग पोएम में पोएट के अकॉर्डिंग फेयर का मतलब क्या है, फेयर का मतलब ब्यूटीफुल है, कि इस मून जो है बहुत ही सुंदर दिख रहा है। विच टाइम पोएट इज स्टैंडिंग एट सी कोस्ट, इट मीन्स ये कब का दृश्य है, किस समय पोएट सी कोस्ट पर खड़ा है, समुद्र तट पर खड़ा है, नाइट टाइम रात के समय। हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द सी इन द फर्स्ट लाइन, पहली लाइन में पोएट समुद्र को कैसा बताता है, कैसा वर्णन करता है समुद्र के बारे में, काम की काम, सी कैसा है, काम है, शांत है। नेक्स्ट, वॉट डज द स्पीकर डिस्क्राइब द आर्मीज इन द लास्ट लाइन, लास्ट लाइन में जो पोएट है वो आर्मीज को कैसा, आर्मीज के बारे में कैसा वर्णन करता है, इग्नोरेंट। अब हम ये क्वेश्चंस डोवर बीच के फ्रेंड्स पढ़ रहे हैं, इसके पहले हमने उसके पढ़े थे, ये सब डोवर बीच के क्वेश्चंस चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द थर्ड स्टेंजा अर्नॉल्ड टॉक्स अबाउट द विदड्रॉइंग रोर ऑफ द सी ऑफ वॉट। थर्ड स्टेंजा में अर्नॉल्ड बात करते हैं रोर ऑफ द सी ऑफ वॉट की, जो समुद्र के बारे में बात करते हैं कि जो समुद्र का रोर है वो किसके लिए है, फेथ, विश्वास के लिए। समुद्र की जो दहाड़ आ रही, गर्जन आ रही है, वो उसके फेथ की ओर इशारा करती है। वॉट डज सोफोकुलस थिंक अबाउट वैन ही हियर्स द वेव्स ऑन द एजियन, जब वो सोफोकुलस एजियन के पास खड़ा हुआ, एजियन की लहरों के को सुनता है, तो वो भी क्या सोच रहा है ह्यूमन माइजरी के बारे में। एक्चुअली यहाँ पर मैथ्यू अर्नॉल्ड सोफोकुलस
के बारे में एल्यूजन में हैं, विभ्रम में हैं, और ऐसा सोचते हैं कि जैसे कि मैं इस डोवर बीच पर खड़ा हूँ और समुद्र को देख रहा हूँ और सोच रहा हूँ ह्यूमन माइजरी के बारे में, ऐसे ही सोफोकल्स भी एजियन सी पर खड़े होते होंगे तो ह्यूमन माइजरी के बारे में सोचते होंगे। वॉट इज़ एजियन? एजियन क्या है? एक सी है, द सी है, समुद्र है। दैट्स द पार्ट ऑफ द मेडिटेरियन दैट सेपरेट्स ग्रीस फ्रॉम टर्की, जो ग्रीस और टर्की को अलग करता है, ऐसा मध्यांक बिंदु है एजियन सी। वॉट मेक्स द ग्रेटिंग रोर दैट द स्पीकर हियर्स इन द फर्स्ट लाइन? पहली लाइन में जो ग्रेटिंग रोर सुनाई पड़ता है वो किसके द्वारा होता है? द साउंड ऑफ पैबल्स, जो गर्जन होती है, घर्षण वाली गर्जन, तो वो पैबल्स कंकड़ जो हैं उनके घर लुढ़क रहे हैं अंदर, तो उनकी आवाज़ है, गर्जन की आवाज़ है। हाउ वॉज द टोन ऑफ डोवर बीच? डोवर बीच जो पोएम है उसकी टोन कैसी है? सैड पोएम टोन है, सैड है टोन, पैसिमिस्टिक है, निराशावादी है। लिसन, यू हियर द ग्रेटिंग रोर इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच फिगर्स ऑफ स्पीच? जो ये फ्रेज है, सेंटेंस है, आर वी कैन से लिसन यू हियर द ग्रेटिंग रोर, ये किस फिगर्स ऑफ स्पीच का एग्जाम्पल है? यू हियर द ग्रेटिंग रोर, यहाँ पर क्या है? साउंड है, नेचुरल थिंग की साउंड है, तो यहाँ पर इसके लिए ये पैबल्स की साउंड है, ग्रेटिंग रोर, तो यहाँ पर कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच है? ओनोमाटोपिया, ओनोमाटोपिया यहाँ पर फिगर्स ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट, व्हाट डज द सी ऑफ फेथ सिम्बोलाइजेस? जो सी ऑफ फेथ है वो किसको सिम्बोलाइज करता है? रिलीजन को, धर्म को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो वॉरियर्स सो ब्यूटीफुल सो न्यू इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच फिगर्स ऑफ स्पीच? जो ये फ्रेज है सो वॉरियर्स सो ब्यूटीफुल सो न्यू, ये किस फिगर्स ऑफ स्पीच का एग्जाम्पल है? एनाफोरा का। एनाफोरा एक्चुअली, एनाफोरा का मीनिंग ये है, अ रेपिटिशन ऑफ अ वर्ड और आर ऑफ वर्ड्स एट द बिगिनिंग ऑफ टू आर मोर सक्सेसिव क्लॉजेस। तो रेपिटिशन ऑफ वर्ड होता है वहाँ पर, सो 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 बार बार आ रहा है। तो जैसा कि देखिए यहाँ पर हम एग्जांपल में फिर से देख रहे हैं, सो वॉरियर सो ब्यूटीफुल सो न्यू, तो सो सो इसका बार बार रेपिटिशन हो रहा है वर्ड का स्टार्टिंग में ही, इसलिए यहाँ पर एनफ हो रहा है। नेक्स्ट, नॉर सर्टिट्यूड नॉर पीस नॉर हेल्प फॉर पेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ वॉट? आई थिंक आप पहचान गए होंगे किसका एग्जाम्पल है, फिर से एनाफ हो रही है, क्योंकि नॉर 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 ये रिपीट हो रहा है इस वर्ड के पहले, और एक फ्रेज बना रहा है नॉर सर्टिट्यूड नॉर पीस। इस तरीके से जब सेम वर्ड बार बार यूज़ होता है शुरुआत में ही किसी वर्ड से पहले, तो वहाँ एनाफोरा होता है। तो इस तरीके से आई होप फ्रेंड्स यू लाइक इट दिस वीडियो, एंड वी हैव डिस्कस्ड ऑल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मेमोरियल वर्सेस एंड डोवर बीच एंड सम ऑन मैथ्यू अर्नोल्ड, एंड आई होप यू वुड लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक इट डोंट फॉरगेट टू गिव द थंब ऑफ लाइक। सो थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, ऑल द बेस्ट।